खबर भोपाल मध्य प्रदेश से है। जिस तरह से आज दिन प्रतिदिन मौसम का मिजाज बदल रहा है और वे मौसम बरसात व भीषण गर्मी से जनता दिनों दिन त्रस्त होती जा रही है, यह क्यों हो रहा है आइए जानते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं भोपाल मंडी द्वीप के गजानन साहू, जो लुपिन कंपनी के अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए भोपाल से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से अभी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन वायु की कमी हो रही है, इसका रीजन सिर्फ एक है और जिम्मेदार केवल एक है। रीजन है पेड़ों की कटाई और जिम्मेदार है केवल मानव। ईश्वर ने जितने भी प्राणियों को बनाए हैं, किसी ने ना तो पर्यावरण को खराब किया है ना ही पर्यावरण को प्रदूषित किया है। प्रदूषण पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला केवल मानव है। मानव ने क्या किया कि अपने हित के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए ढेर सारे पेड़ों की कटाई किया, उन पेड़ों की जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दिया, लेकिन किसी ने पेड़ लगाए नहीं। अरे, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना के करोगे क्या? जब आने वाली पीढ़ी तुम्हारी ऑक्सीजन से तड़पने लगेगी, ऑक्सीजन खरीदोगे फिर भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा सबको यह संदेश है और सबसे निवेदन है कि पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं, एक मकान बनाएं तो कम से कम ये जान लीजिए कि एक मकान में हमारे 10 बच्चे रहेंगे नाती पोते मिला करके, तो कम से कम 10 पेड़ लगाएं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी हवा मिले, प्रदूषण मुक्त रहे और हमारे बच्चे जीवित रहें, जिससे तरह तरह की जो बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों से बचाव हो। धन्यवाद। आज जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर 50-52 जाने लगा है, उसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का ना होना। यदि पेड़ नहीं रहेंगे, हमारी धरती का कटाव होगा, बरसात के दिनों में पानी का जो भराव होता था वो भराव चला हट जाएगा और हमारी धरती कटाव होता चला जाएगा। पेड़ जो हैं, यदि हम पेड़ नहीं लगाए तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जल का स्तर इतना नीचे चले जाएगा कि हमको पानी ही नहीं मिलेगा पीने के लिए, और यदि पानी मिलेगा भी तो वो प्रदूषित पानी होगा, क्योंकि हमने एक चीज और किया है। संस्थान तो लगाए, देश का विकास तो हमने किया, लेकिन हमने सबसे बड़ा जो पर्यावरण का नुकसान किया है, जगह जगह नदियों में हमने गटर डाल दिया है, वो गटर जाके नदियों को प्रदूषित कर दिए हैं। वो प्रदूषित युक्त पानी यदि हम पिएंगे तो हमें बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए बीमारी से बचने के लिए स्वच्छ हवा जरूरी है और स्वच्छ पानी जरूरी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं, धरती के जो आभूषण हैं पेड़ उनको खत्म ना करें, और अपना हित तो करें लेकिन समाज का अनहित ना करें। धन्यवाद।